सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि हमने 8 दिसंबर को निश्चित किया है कि 8 दिसंबर को कुछ लोगों को कीमिया की दीक्षा देना चाहता हूँ, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। जो लोग इच्छुक हैं, वास्तव में जो दर्शक हैं, वास्तव में जो इस ज्ञान को लेने के इच्छुक हैं, तो विशिष्ट मुहूर्त बन रहा है 8 दिसंबर 2021। आप लोगों को इस समय पर दीक्षा लेनी चाहिए। और इसमें हम पुनः वही कार्य करेंगे, रजत विज्ञान की दीक्षा आपको प्रदान करेंगे, सामने आपसे ही बनवा करके आपको संतुष्ट करेंगे। इसके बाद में ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे अन्य चैनलों को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, जैसे अखंड सनातन भारत है, जिसमें केवल सनातन धर्म और हिंदुस्तान के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। हमारा एक चैनल सिद्धलोक है, ये वीडियो भी सिद्धलोक पर पड़ जाएगा, आप वहाँ देखिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। एक चैनल हमारा है यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी, जहां पर केवल और केवल रोगों के संबंध में और इलाज के संबंध में ही बात हुआ करेगी। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूट्यूब एक विषय पर, एक चैनल पर एक ही विषय को स्वीकार करता है। सुख समृद्धि विज्ञान में हमने तमाम प्रकार की बातें की, सच भी था, करनी भी चाहिए थी, लेकिन दर्शकों का रुझान घटा है और चैनल एक साल से ऐसा मान लो कि डेड है। अब 100-200 व्यूज आ जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो हमें हमारे सलाहकारों ने सलाह दी कि आप अन्य चैनलों पर काम करें और एक चैनल पर एक ही प्रकार की बात करें। इसलिए फिर हमने चैनल थोड़ा सा बढ़ाया, तो एक हमारा चैनल अर्थ क्रांति की न्यूज के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी जल्दी हम समाचार वगैरह नित्य प्रति उपलब्ध कराया करेंगे। और सुख ये अर्थ क्रांति न्यूज इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि ये अर्थ क्रांति मैं 2006 से न्यूज़पेपर का संचालन कर रहा हूँ, तो वो भी हमारी हाबी है। और उस समाचार पत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं, संपादक हूँ मैं इसका, तो ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमने उसको राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक लिखा है, ऑल ओवर इंडिया लोग उस पे आएंगे और उन्हीं के समाचारों को हम वीडियो के रूप में भी देंगे। जो लोग वीडियो क्लिप भेजेंगे वो समाचार इसमें आएगी, तो आप लोगों को पत्रकार बनने का मौका मिल जाएगा। पूरे भारत से लोग चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचावें, जिससे कि वो लोग जो पिछली बार कीमिया के शिविर में आने से रह गए थे, जो लोग उस समय उनकी व्यवस्था नहीं थी, वह लोग अब इस ज्ञान को ग्रहण कर लें। इससे लाभ आपका ही होना है, हम तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लाभ आपका ही होना है। एक बार कोई विद्या हाथ लग जाए तो फिर जीवन भर आप उससे लाभ उठा सकते हैं, आपके बच्चे, आपके और भी जो वंशज होंगे उसका लाभ उठा सकते हैं, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
बाकी आपका जो भी मानना हो वो आपका मैटर है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि इस अमूल्य समय को मत खोएं। जो लोग पिछली बार चूक गए थे वो इस बार बिल्कुल ही मत खोएं। 8 दिसंबर, अभी आज 4 दिसंबर है, 8 दिसंबर के पहले पहले इसके लिए पंजीकरण अपना करवा लें और यहाँ आने की तैयारी करें। और साधनाओं का तो दौर चलता ही रहेगा। हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे चैनल पर अप्सरा साधनाएं भी अपलोड कर दी जाएं। कुछ लोगों ने मांग की है कि अप्सरा साधनाएं अपलोड करें, तो मैं अभी तक इन साधनाओं को छिपाए हुए था, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताता था। अब आगे ये सारी साधनाएं भी अपलोड की जाएंगी। जो इसके इच्छुक हैं वह लोग उसकी दीक्षा लेके और साधना कर सकते हैं। अपना यही मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आज का जमाना है, जब तक चमत्कार नहीं तब तक नमस्कार नहीं। चमत्कार का ही नमस्कार है, तो एक प्रकार से आप तो अपने आप को टेस्ट करते ही हैं और आपको सफलता मिलती है। ये आस्था का विषय है, यहाँ पे टेस्ट शब्द भी ठीक नहीं है। आप जो भी प्रयोग करेंगे उसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। इसमें पारद के संस्कार जो लोग सीखना चाहते हैं वह लोग भी संपर्क कर सकते हैं। पारद के कुल 18 संस्कार हैं, वैसे तो 16 संस्कार ही होते हैं, लेकिन 18 संस्कार इसलिए कहे जाते हैं कि 17वां संस्कार है लौह वेद, यानी कि निम्न धातुओं को उच्च धातु में बदलना, और 18वां संस्कार होता है देह वेद, जिसमें कि जीर्ण शीर्ण शरीर को पुनः उत्तम और नया नवेला बना देने की क्रिया होती है। इसके अलावा देह वेद में ये भी आता है कुछ ऐसे काम जो सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं कह सकता, जैसे नहीं कर सकता, जैसे कि हजारों मील की यात्रा करना चाहता है वो, या कोई अदृश्य होना चाहता है, या वह बिना थके घंटों मेहनत करना चाहता है, तो या पानी पर चलना चाहता है। हालांकि ये प्रयोग मेरे द्वारा भी जो बताया देह वेद के संबंध में, ये अनोखी बातें हमने भी नहीं की हैं, परंतु प्रयोग तो किए जा सकते हैं। तो जो लोग इन साधनाओं को आजमाना चाहें, करना चाहें, तो वो विशेष रूप से आमंत्रित हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर आप संपर्क करेंगे, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, और ये मील का पत्थर साबित होगी। याद रहे 8 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन विवाह पंचमी है, भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ श्री विवाह पंचमी को ही हुआ था। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की तिथि होगी, और यह पावन दिन श्री राम भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए, विष्णु भक्तों के लिए परम आदरणीय और अलौकिक क्षमता वाला होता है। अभी मैं मिथिलांचल गया था, लेकिन समय ना होने के कारण वापस आ गया, और कुछ ज़्यादा दिन भी थे इसलिए वापस आना पड़ा। वरना मेरी हार्दिक इच्छा थी जो अयोध्या से राम बारात जनकपुर जाती है नेपाल में, तो वहाँ जाना चाहता था। एक बार मैं चाहता था कि माता सीता जहाँ पे जन्मी
और जहाँ पर जिस मंडप में माता सीता का विवाह श्री परम पूज्य भगवान श्री राम जी के साथ हुआ, उस स्थान को मैं देखना चाहता था। हालांकि वीडियोज में तो यूट्यूब में वो सब पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जा कर के उस धरती को प्रणाम करना, वहाँ पे कुछ दिन रह करके, ये मैं चाहता हूँ। तो विवाह पंचमी पर ना पहुँच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ मैं ठहरा था उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि अगले साल आना, तो मैंने कहा अगले साल तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं बीच में आना चाहता हूँ तो बीच में भी मैं नेपाल का प्रोग्राम बना सकता हूँ, और ये मेरे शिष्य गण तय करेंगे, क्योंकि नेपाल में अकेले नहीं जाना चाहता। नेपाल में शिविर करेंगे, नेपाल में योग ध्यान करेंगे, नेपाल में दीक्षा प्रदान करेंगे, और वहाँ पे जैसे बूढ़ा नीलकंठ मेरे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्पर्शित जगह है, वो बूढ़ा नीलकंठ हो गई, काठमांडू हो गया, वहाँ पर एक प्रथा है कि एक छोटी सी बच्ची को देवी का रूप दिया जाता है, और अभी तक ये परंपरा रही है कि वहाँ के राजा तक उस देवी की पूजा करने जाते थे। जब वो देवी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको उसकी जगह फिर नई देवी वहाँ बनाई जाती है। तो उस मंदिर के भी दर्शन करने थे जहाँ जीवित जागृत देवियों का की पूजा होती है, और इसके अलावा माता सीता का जन्म स्थल और कई ऐसी जगहें हैं वहाँ पर। तो एक मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने शिष्यों के साथ वहाँ चलूँ। अब कम से कम शिष्य भी 100 शिष्य या 50 शिष्य तो होने चाहिए वहाँ जाने के लिए, और यहीं से फिर स्पेशल गाड़ी बुक की जाएगी या जैसा भी होगा। यदि आप वायु मार्ग से जाने की इच्छुक हैं तो वो भी व्यवस्था हो सकती है, पहले से टिकट बुक कराने पड़ेंगे। तो सारा काम ये आपका चैनल ही करेगा, और एक साथ सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। नेपाल के हमारे जो शिष्य हैं उन्होंने कहा है कि बस आपको ये कहना है कि किस तारीख से किस तारीख तक आप यहाँ रुकेंगे और कितने लोग आपके साथ आएंगे। तो भारत में तो हैं ही शिष्य गण, नेपाल में भी वहाँ पे इस दिव्य ज्ञान की अलख को जगाना है, और उस परम पावन स्थान जहाँ पर साक्षात महेश्वर का निवास है, जहाँ साक्षात माता सीता का निवास माना गया है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, जो उनकी ससुराल है, और हम सभी भक्त जनों का वो ननिहाल हुआ, तो ऐसी जगह पर हम सभी लोगों का जाना उचित भी है, अच्छा भी है। तो अपने ननिहाल कौन नहीं जाना चाहता, हम भारतवासियों का तो ननिहाल है नेपाल में, क्योंकि जगदम्बा माता जानकी वहाँ की निवासिनी थी। जगत जननी माता जगदम्बा जानकी तो पूरे विश्व की माता है, लेकिन हम भारतवर्ष के लोगों के लिए, हम हिंदू समाज के लोगों के लिए तो परम आदरणीय हैं, और मिथिलांचल के लोग आज भी उनको उसी रूप में याद करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस संबंध में यदि आपकी कोई राय बनती है तो ज़रूर अवगत कराएं, तो नेपाल का एक प्रोग्राम लगा लिया जाए। और पुनश्च चलते चलते यही कहूँगा, यह मौका मत छोड़िएगा जो 8 दिसंबर का है। इस पर आपको पारद विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, और इस दिन भले ही आप ना आ पाएं कोई बात नहीं, वीडियो कॉलिंग से ही सही करेंगे, जरूर करेंगे। और आप सफल होंगे।
दूर ही सही तो क्या हुआ, ज्ञान तो ज्ञान है। जब वीडियो आप देख करके मुझे अपने पास देख रहे हैं तो बिल्कुल इतने ही अपने पास आप समझिएगा कि इतने ही पास से आप मुझे देखेंगे और मैं मॉनिटरिंग करूंगा आपके कार्यों की। जैसे भी जो जो क्रियाएं करनी है वो बताऊंगा, जो जो सामग्री लानी है वो सब बताऊंगा। यदि वहां नहीं मिलती है तो फिर भेजने की व्यवस्था करूंगा। ये सब कुछ आपके लिए ये चैनल करेगा। बस आपका काम है कि इस चैनल को शेयर करते रहना ज्यादा से ज्यादा लोगों पर। और एक बात और कहूंगा, एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप एक काम करें, आप के पास व्हाट्सएप ग्रुप तो होते ही होंगे। जिन जिन हमारे शिष्यों के पास या दर्शकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया करें और एक कमेटी बनावें। वहाँ पे कमेटी बनावें तो ऐसे लोगों को विशेष वरीयता दी जाएगी और जो साधनाओं की दीक्षा जो लोग ऐसे नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग साधनाओं की दीक्षा तो लेना चाहते हैं परंतु उनके पास धनाभाव होता है, तो ऐसे लोग इस कार्य को करें और मुझसे राय सलाह जरूर ले लें। उस हिसाब से उन लोगों को फिर वरीयता दी जाएगी साधनाओं को करने की। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।